जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों आज चलिए बनाते हैं एक टू इन वन रेसिपी। टू इन वन रेसिपी ये कौन सा नाम है, ऐसा लग रहा है ना। तो पहले देखिए मैं आप लोगों को एक टिक्की दिखा रही हूँ और इसी टिक्की को कैसे मैं कोफ्ता करी में बदलती हूँ। हो गया ना टू इन वन, स्नैक्स का स्नैक्स और करी का करी, हो गया ना। तो फिर चलिए दोस्तों ज्यादा लेट नहीं करते हैं, आज हम कच्चे केले का टिक्की बनाएंगे और कच्चे केले की टिक्की के बाद कोफ्ता करी बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने दो कच्चा केला और एक आलू लिया है। आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो दोनों साइड्स दोनों एंड्स कट करके कच्चे केले का बीच में से हम केला और आलू को हाफ कर लेंगे। इसको हमें बॉईल करना है, तो ऐसे हम अगर हाफ करके बॉईल करेंगे तो जल्दी बॉईल हो जाएगा। अब इन सबको हमें प्रेशर कुकर में डाल देना है। अभी हम प्रेशर कुकर में इन सबको डाल के बस 2 कप पानी डालेंगे और 2 कप पानी डाल के दोस्तों कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद करके हमें मीडियम फ्लेम पे 2 व्हिसिल आने तक पकाना है। ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, 2 व्हिसिल आने तक पकाएंगे और जब कुकर ठंडा हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कुकर में अभी व्हिसिल हो गया था, कुकर भी ठंडा हो गया है, मैं चेक करके दिखा रही हूँ। अभी इसको हम खोल के इसकी इसमें से जो आलू और कच्चा केला जो उबल गया है उसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो आलू है दोस्तों इसको मैंने ग्रेवी के लिए डाला था। ग्रेवी में मुझे आलू बहुत पसंद है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो अभी इस आलू को मैं ग्रेवी के लिए अलग से निकाल के रख देती हूँ और चलिए हम टिक्की का प्रिपेरेशन करते हैं। तो टिक्की के प्रिपेरेशन करने के लिए पहले हम ये जो छिलका है कच्चे केले का उसको निकाल देंगे। मेरी जो मदर इन लॉ है ना, ये जो ये कच्चे केले की टिक्की की बड़ी अच्छी चटनी बनाती है, कभी उनसे अगर सीखूंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। उसके साथ बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा प्याज, 2 हरी मिर्च बारीक काट के डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 3 बड़ा चम्मच बेसन और उसके साथ दोस्तों 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर या फिर डालमा मसाला हम डाल देंगे। जो डालमा मसाला मेरी वीडियो में पहले से अपलोडेड है तो उसका जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी सारे सामग्रियों को अच्छे से मैश करके, जो कच्चे केले को मैश करके सारे सामग्रियों के साथ अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो जैसा बना लेंगे। दोस्तों ये जो प्रॉपर जो क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लें। डो तो बन के तैयार हो गया, तेल भी मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और आप सेब देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। छोटा सा टुकड़ा लेके बस ऐसे ही हाथ से दबा के उसको फ्लैट सेप देना है बस दोस्तों। फिर जितना आपने कढ़ाई में आपका जगह आए उतना डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैं 4-4 करके तल रही हूँ, पहली बार में 4 डाला है और ये जो पूरा प्रोसीजर है टोटल 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है और 2 मिनट के हर 2 मिनट के इंटरवल पे फ्लिप करना है। तो पहली बार मैं फ्लिप करके दिखा रही हूँ, देखिए नीचे से कितना अच्छा सा एक कलर आ गया है। बस इसको हमें चारों ओर से हल्का सा जब ब्राउन कलर आ जाए तब हमें इसको निकालना है और इसको हर 2 मिनट में अगर हम फ्लिप करेंगे तो ये चारों ओर से बड़ा अच्छा सा एक कलर आएगा। ये देखिए दोस्तों फिर से मैं आपको कुछ टाइम बाद दिखा रही हूँ ये कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। बनाना है ना बहुत आसान, और इसको आप चाहे सॉस के साथ सर्व कीजिए या फिर चटनी के साथ सर्व कीजिए, बड़ा मजा आता है। और जो गेस्ट आते हैं ना वो जरूर पूछेंगे ये कौन सा टिक्की है या ये कौन सा बड़ा है, या फिर इसी टिक्की का चाट बना के देखिए। अगर आप चाट या टिक्की बनाते हैं तो फिर आप मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसको ये तो अभी हो गया है, इसको हल्का सा होल्ड करके मैंने इसको किचन टॉवल पे निकाल लिया और उसी सेम प्रोसीजर में बाकी जो सारे कच्चे केले की टिक्की हैं सबको हम फ्राई कर लेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब घर पे ये करी बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों, मतलब कुछ टिक्की तो वो लोग ऐसे खा लेते हैं उसके बाद उसको मैं मतलब सब्जी बनाती हूँ, ये टिक्की में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए आप लोगों को बताते बताते मेरी जो सारी टिक्की है वो बन के तैयार हो गए हैं और बाकी जो है मैं डाल देती हूँ। और ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टिक्की, पहले हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये सारी टिक्की मेरे तैयार हो गया है,
इसको आप चाहें तो चटनी के साथ, मतलब हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं, या बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी इसको सर्व करते हैं। ये ऊपर से जो कुरकुरी अंदर से सॉफ्ट वाली टिक्की आप बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हमारी 2-in-1 रेसिपी कैसा लगा आप लोगों को? तो ये तो दोस्तों तैयार हो गया हमारी टिक्की, और इसी टिक्की को हम कैसे ग्रेवी का आकार दें, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना? और इस टिक्की को हम कैसे ग्रेवी का आकार दें और ग्रेवी में क्या टेस्ट आता है, चलिए बनाते हैं सिंपल सा कच्चे केले का कोफ्ता करी। देखने में ये बहुत सुंदर है, खाने में भी वो उतना ही स्वादिष्ट है। तो इसको बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए पहले मैं एक मीडियम साइज का प्याज और मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और पेस्ट तैयार करने की, ये देखिए दोस्तों पेस्ट तो तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यही मैंने सेम कढ़ाई में ही सब्जी बनाऊंगी, तो ये जो एक्सेस ऑयल है जो कोफ्ता बनाने के बाद, उसको अभी मैं निकाल लूंगी। बस 3 बड़े चम्मच तेल रहने दूंगी। तेल जब मेरा गरम हो जाए उसमें हम क्या करेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, और जीरा डाल के उसमें बस 2 पिंच हींग डालेंगे। थोड़ा सा जीरा को चटकने देंगे, जीरा जब अच्छे से चटक जाए उसमें हम 2 पिंच हींग डालेंगे, और हींग डाल के हींग को भी हम 30 सेकंड के लिए चटकने देंगे। उसके बाद ये जो प्याज और टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया था ना दोस्तों, उसको डाल देंगे। डाल के तेल और जीरा के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट ऐसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अगर तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो इसी जगह पे 2 हरी मिर्च आप भी स्लिट करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इन सारी सामग्रियों को अच्छे से मिला के हमें अभी मीडियम टू लो फ्लेम पे कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाना है, जब तक कि हमारा मतलब मसाले से तेल ना अलग हो जाए। तो अभी बीच में चलिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, और गरम मसाला पाउडर डाल के इसको हम फिर से ऐसे भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना अलग हो जाए। अब देखिए मसाला तैयार हो गया है और तेल भी अलग होना शुरू हो गया है। इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आलू डाल देंगे। जो उबला हुआ आलू हमने लिया था, आलू डाल देंगे। और अगर आप आलू यूज करना नहीं चाहते हैं बॉयल्ड आलू, तो यहाँ पे बस आप नमक डाल के आप पानी डाल दीजिए। ग्रेवी के लिए आपको जितना पानी पसंद है आप उतना पानी डाल दीजिए। लेकिन मैं आलू के साथ नमक डाल के, आलू जब डाली हूँ तो आलू के साथ नमक डाल के इसको मैं 2 मिनट मसाले के साथ अच्छे से भूनूंगी। और भूनने के बाद देखिए दोस्तों कलर कितना प्यारा आ गया है, और आलू भी भुन गया है, उसमें नमक और मसाले भी आ गए हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। बस मिक्सिंग जार को धो के 2 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे, और उसके साथ 2 कप गरम उबला हुआ पानी डालेंगे। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा सब्जी में गरम पानी डालती हूँ, क्योंकि जिससे क्या होता है सब्जी जल्दी पक जाती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। ये आलू मैं इसलिए मैश कर रही हूँ क्योंकि ग्रेवी को अगर गाढ़ा करना हो, मसाला अगर, मसाला हमारी सेहत के लिए हमने बहुत कम यूज किया है, आपने भी देखा, तो उसी जगह पे अगर थोड़ा सा आलू मैश कर लेंगे तो ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ढक्कन लगा के 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे, और 5 मिनट बाद अब देखिए अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे, और जो हमने टिक्की बनाया था जितना बच्चा है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो खा चुके हैं, लेकिन जितना बच्चा है मैं उतना अभी वो ग्रेवी में डाल दूंगी। डाल के दोस्तों गैस को पूरा सीम कर देंगे, मतलब पूरा लो कर देंगे। ये देखिए लो फ्लेम पे बस हमें 5 मिनट इसको और पकाएंगे। बस 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को चलिए अभी ढक्कन खोल के मेरी वो जो कोफ्ता करी है वो दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, और ग्रेवी भी हल्की सी, ना ज्यादा गाढ़ी ना ज्यादा पतली। आप देख रहे हैं ना, दाल की जरूरत नहीं होती है, गर्मा गर्म स्टीम राइस हो बड़ा मजा आता है, या फिर रोटी हो या पराठा हो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी गैस बंद कर देंगे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल के इसको बस ढक देंगे, ताकि हरा धनिया का जो फ्लेवर है वो भी सब्जी में आ जाए। बस अब चले सर्व करने।
बहुत लेट हो गया है और रहा नहीं जा रहा है ना दोस्तों। ये देखिए, और ये जो कच्चे केले का कोफ्ते होते हैं ना दोस्तों, इसको अगर आप प्रॉपर जैसे मैंने जो टेक्निक से बताया अगर वैसे आप फॉलो करेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं और बहुत सॉफ्ट बनेगा। आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी जो हिंदी यही हिंदी चैनल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर उड़िया रेसिपी देखना चाहते हैं तो उड़िया झुमका भाई झिल्ली को भी सब्सक्राइब कीजिए ना नई रेसिपी जानने के लिए। बस दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये जो 2-in-1 रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो बताइएगा जरूर, और भी ढेर सारी रेसिपी लेके आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।